वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और ये हनीज किचन का ऑर्डर पैक हो रहा है। एक ऑर्डर हमने को अभी लंच के लिए सुबह सुबह ही भिजवाना था। पीछे मेरी मैनेजर है, पापा पापा। हाँ पापा, ये जो अम्मी को ऑर्डर आया था ये है ग्रीन राइस और शामी कबाब का, जो एक पर्सन के लिए बिल्कुल काफ़ी है। इसके साथ अम्मी सर्व करती है रायता भी। और अगर आप लोग को ऑर्डर करना है तो हनीज़ किचन के पेज पे मैसेज करो, मैंने वो कर दिया है इंस्टाग्राम का इधर मेंशन। और ये देखो, ये सारा पैक वैक कर रहे हैं, तो मैंने बिहाइंड द सीन्स भी शूट किया है कि ये लोग किस तरह पैक वगैरह करते हैं। और जीमल जो है, जो सारा हैंडल करती है पेज वगैरह, वही फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रही है चीज़ों की। इसने पेज पर भी ये अपलोड किया है। और ये है हमारी टीचर जो है ना, बचपन में बचपन से हमें पढ़ाती थी ना, उनका ऑर्डर। ये मैंने टीचर, आप अगर मेरा ब्लॉग देख रही है, मैंने लिखा है, मेरी राइटिंग पहचान लेना ठीक है। अभी हम निकल चुके हैं, जा रहे हैं दादी के घर। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, बहुत ही कोई ज़्यादा गर्मी, और दादी के घर की साइड तो और ज़्यादा गर्मी होगी। हम लोग हालांकि आज थोड़ा लेट हुए हैं क्योंकि अम्मी का ऑर्डर वगैरह था, उसकी वजह से। दादी के घर से हम निकल चुके हैं, पापा को कुछ काम थे उसकी वजह से, तो अब हम जा रहे हैं। संडे बाजार, मैंने अभी थोड़ा अपने आपको मेकअप शेकअप भी किया है, थोड़ा अच्छी लग रही हूँ, बाल थोड़े मैंने खोले हैं। और पापा के काम हो चुके हैं, अम्मी जो कह रही हैं, उसके बाद मैंने सोचा संडे को वेस्ट ना किया जाए, तो हम निकले हैं संडे बाजार। कुछ एक रिज रही है ब्लॉग पहुंच चुके हैं संडे बाजार, यहाँ आए हैं आज हम। और इसका मैं रील भी बनाऊंगी, मेरे इंस्टाग्राम पर देख लेना, फॉलो कर देना मुझे। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं संडे बाजार में, और इतना रोज है इसको लोगों में बिल्कुल भी नहीं पसंद मेरी बेटी को। हम लोग क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो मैंने ये सारा रिकॉर्ड किया था जो हम गए थे, ये है क्लिफ्टन वाला संडे बचत बाजार। ये सारा मैंने रील्स और टिकटॉक पे, यूट्यूब पे देखा, तो हमने सोचा हम भी एक विज़िट कर ले, चक्कर लगा लें। जितना इसका हाइप है सोशल मीडिया पे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। अब अगर आप इस तरह के बाज़ारों में जाओ तो आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि हर चीज़ इतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि हमने एक शूज़ का रेट पूछा, वो मैं आपको आगे, मैंने शूज़ भी वीडियो बनाई है, वो 5,500 का यूज्ड इधर शूज़ मिल रहा है। बैग्स थे, ये देखो ये सारे बैग्स हैं, सारे बिल्कुल यूज्ड हैं और इतना कोई ख़ास क्वालिटी के नहीं हैं। मुझे जो चीज़ समझ आई वो सिर्फ ये प्लांट्स थे जो मैंने अपने लिए दो ही लिए, 300 के इन्होंने पेयर दिया था मुझे। मैंने दिखाया है आगे अपने वीडियो में, वहाँ पे देख लेना, वो प्लांट वाला अच्छा था। उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो नॉर्मल प्राइस की थी, बाकी मुझे कुछ भी ख़ास नहीं लगा। ये सारी चीज़ें हम किसी अच्छी जगह से भी इतने के ही ले सकते हैं। जैसे ये बैग, उन्होंने मुझे 1500 बताया, तो वो बैग बहुत मैला कुचैला हो रहा था। ये चप्पल थे 1500 के, और यही मैंने ब्रांड से भी 1500 के लिए थे अपने देवर के लिए। और ये शूज़ थे जो मैं बता रही थी, ये 5000, पता नहीं 5500 इस तरह के, उससे भी ज़्यादा के रेट्स के शूज़ थे। और ये फ्रॉक देख लो इनका, ये मुझे बहुत फ़नी लगे, तभी मैंने ये वीडियो इनकी बना ली। इधर आओ सब, कालीन पायदान कारपेट सब लोग। इस भाई को देख लो, ये भाई, भाई आपका क्या नाम है? अयाज भाई। अयाज भाई, संडे बाजार क्लिफ्टन वाले, ये नौ शरीफ का दुश्मन।
हो गई है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। अब हम निकल चुके हैं संडे बाजार से। ओके, इतना हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल है, मतलब ज्यादा खास नहीं था। महंगा बाजार क्यों जाते? बहुत महंगा था ब्रेसलेट, मतलब इतना महंगा है। हमें वही चीजें ब्रांड मिल जाएंगी गल्फ में, ब्रांड में आप कहीं जाओ आपको सस्ती मिल जाएंगी। 1500 का ज़ेमर का पर्स, 2200 सॉरी, बिल्कुल भी नहीं अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आपको ऐसे ही आना है तो आ जाओ, वरना कोई खास आने की जरूरत नहीं है। और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि सबको लगी है भूख। तो ये हमारा खाना क्या है, अभी बहुत खाना रहता है, डोसा और सब, तो वो अभी आएगा। वापस आके मैं सो ही गई थी, क्योंकि मेरी बेटी सो गई थी, उसके साथ साथ मैं भी सो गई थी। इसने मुझे सुबह बहुत जल्दी उठाया था, तो अभी मैंने ये सारा गरम किया है, डोसा और बन कबाब, ये खाऊंगी मैं। और अभी मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ाई है, चाय पियेंगे हम। ये साइज ही बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। अम्मी नाती को पूरी स्क्रिप्ट हमारा अभी कर रही है क्रोशे, जो भी है, हम इसे कुरैशी बोलते हैं। इसको ये आता है, ये खुद ये सब बनाती है। मैंने एक बार पहले भी अपने ब्लॉग में दिखाया था, इसने गुलबानों के लिए पर्स बनाया था। ये अब तुम क्या बना रही हो? किसके लिए? अम्मी के लिए वॉलेट। अम्मी से पैसे गिर जाएंगे। पूरा कम्प्लीट होगा, कम्प्लीट होगा, फिर मुझे दिखा लगेगा, बटन लगेगा। अच्छा, फिर मेरे लिए भी एक बना लो वॉलेट प्लीज। इतनी बुराई की हम तुम्हें लगता है तो अरे हम ये देखेंगे, फिर अम्मी इसको चेक करेगी। अम्मी इसके साथ भागना दौड़ना पीटना पीटना, इस दीवार पे मारना, उस दीवार पे मारना, फिर पता ना कि अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। ठीक है, क्वालिटी तो यान के ऊपर है। मैं ये चीज़ें लाई हूँ अपने लिए संडे बाजार से। ये दो मैंने गमले लिए थे। ओ, गिर गए बेचारे। ये दो ठीक है, मुझे बहुत शौक है इन सारी चीज़ों, घर की चीज़ों का। और एक मैंने ये ट्रे लिया है क्यूट सा, एक कप या एक ग्लास के लिए, और इसको हर चीज़ से काम है। और एक मैंने अपने ये मेकअप के लिए पाउच लिया। मैं घर जाऊँगी ना कल, तो अपने सारा ये इसमें सारा तो नहीं, कुछ मेकअप अपने इस पाउच में डाल के अपने बैग में रखूंगी, ताकि अर्जेंट में अगर बंदा कहीं जाए या कुछ मेकअप शेकअप करना पड़े तो इससे हम इजीली मेकअप कर लें। यही तीन ही चीज़ें लेके आई हूँ, मुझे तो इतना ख़ास कुछ वहाँ पे कुछ लगा ही नहीं, और फजूल का इतना महंगा था। नूर अपने लिए कितना प्यारा, वो क्या होते हैं नूर, उसको कारपेट बोलते हैं ना, पायदान, वो लेके आई वो। अभी हम खाना खा रहे हैं, नूर ने सारा प्रिपेयर किया है, बनाया इसे नहीं है, लेकिन हमारे पास है हनीज किचन का शामी कबाब, जो नूर ने अभी फ्राई किया है, चिकन कढ़ाई, रायता, इग्नोर करो उसे, रोटी। लेट्स हैव यम्मी यम्मी।